राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा की वजह से मिले रेस्पॉन्स से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद बजट सत्र के दौरान संसद में दिए अपने भाषण की वजह से भी वो काफी चर्चा में थे। फिलहाल राहुल गांधी छुट्टी मना रहे हैं और कश्मीर के गुलमर्ग में उनकी बस्ती की कई तस्वीरें और वीडियोस वायरल भी हुए हैं। ऐसा ही एक वीडियो रविवार को भी वायरल हुआ था, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी स्नोमोबाइल चलाते हुए नजर आ रहे थे। इस वीडियो में थोड़ी देर प्रियंका स्नोमोबाइल चलाती हैं और फिर राहुल गांधी इसे ड्राइव करते हुए नजर आते हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की फिटनेस की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। एक यूजर ने यहां तक लिख दिया कि पुतिन के बाद पहली बार इतना ऑलराउंडर लीडर देखा है, परफेक्ट फॉर बिकमिंग नेक्स्ट पीएम। इसके बाद ही राहुल गांधी की फिटनेस पर चर्चा शुरू हो गई। बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अपनी फिटनेस को लेकर खास चर्चा में रहते हैं। उनके फिटनेस से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी 52 साल के राहुल गांधी की फिटनेस की खूब चर्चा हुई थी। राहुल गांधी की तुलना युवा नेताओं से भी की जाती है, इसके पीछे उनकी शानदार फिटनेस ही वजह है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रोजाना एवरेज वो 22 से 25 किलोमीटर पैदल चले थे। यात्रा के दौरान ही राहुल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि कॉलेज के दौरान वो मुक्केबाजी किया करते थे। जब वो फ्लोरिडा में थे तो शौकिया तौर पर स्कूबा डाइविंग भी शुरू की थी। राहुल गांधी गोताखोरी और स्विमिंग दोनों आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा राहुल ने ये भी बताया था कि वो मार्शल आर्ट से लेकर एकीडो में ब्लैक बेल्ट भी हैं और वो बॉक्सिंग भी किया करते थे।